क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है? क्या क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का विकल्प फूंक रहे हैं। माताएं बहने, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे? क्या मौका देंगे? क्या शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है। और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा।